नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिनभर की कुछ खास खबरों के साथ। कटनी नदी पर बने नए पुल का उद्घाटन मंगलवार की शाम बिना किसी प्रचार प्रसार के यशिका मलिक के हाथों संपन्न हो गया। कटनी विधायक संदीप जायसवाल की मौजूदगी में बालिका द्वारा फीता काटे जाने के बाद नए पुल से आवागमन प्रारंभ कर दिया गया है। आपको बता दें कि पूर्व विधायक श्रीमती अलका जैन के कार्यकाल में वर्ष 2007 में तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय ईश्वरदास रोहाणी ने पुल निर्माण के लिए भूमि पूजन किया था। तब से लेकर 15 वर्ष पुल के निर्माण का इंतजार शहर की जनता करती रही। लंबे अंतराल के बाद अब पुल से आवागमन शुरू हो चुका है। कटनी विधायक संदीप जायसवाल ने मीडिया से चर्चा करते हुए माना कि पुल का निर्माण बेहद विलंब से हुआ है। उन्होंने कहा कि इसके पीछे तकनीकी कारण हो सकते हैं। इस सवाल पर कि एकाएक उद्घाटन हो रहा है, विधायक ने कहा कि इससे पूर्व भी गनियारी पुल, गाटा घाट पुल का उद्घाटन भी बिना औपचारिकता के हुआ था। विधायक ने कहा कि जहां भी आवागमन के लिए शीघ्र पुल शुरू करने की बात आती है, वहां औपचारिकता निभाने की आवश्यकता नहीं रहती। विदित हो कि पुल का निर्माण शुरू होने के बाद इसकी स्लैब चटक गई थी और फिर विस्फोट के जरिए पुल को तोड़ा गया था। नए पुल से आवागमन शुरू होने के बाद पुराने पुल से भी आवागमन बना रहेगा। कटनी से शैलेश पाठक की रिपोर्ट। बना और कारण तकनीकी हो सकते हैं, और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन जब इतनी देर से बना तो हम तो ये भगवान का के लिए प्रार्थना करते हैं भगवान से कि भगवान कृपा बनाए रखें। और बड़ी मुश्किल से ये पुल बना है और इसीलिए आज बिटिया से यशिका मलिक जी से आज उसका उद्घाटन करवाया गया है। और मुझे लगता है कि इतने व्यस्त ट्रैफिक में और इतने विलंब से बनने वाले पुल के लिए इंतज़ार करना उचित नहीं था। कलेक्टर साहब से चर्चा की गई, कलेक्टर महोदय भी आने वाले थे, लेकिन एकाएक बीसी की खबर आ गई, उन्हें लौटना पड़ा रास्ते से। और हमारे साथ नगर निगम अध्यक्ष मनीष पाठक जी मौजूद हैं, हमारे ओमी भाई यहाँ के पार्षद जो है वो मौजूद हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष अभिषेक जी हैं, मनीष जी हैं, संदीप जी हैं, भागीश जी हैं और अश्विनी गौतम जी, महेश शुक्ला जी और सारे हमारे साथी जितने भी हैं सब यहां पर मौजूद हैं। नगर के गणमान्य नागरिक भी मौजूद हैं, पूर्व पार्षद भी दिख रहे हैं और साथ में सांसद जी के प्रतिनिधि विकास द्विवेदी जी भी मौजूद हैं। सभी का एक ही मत था कि इस पुल के उद्घाटन का हमें इंतजार नहीं करना चाहिए। बड़े विलम्ब से, लेकिन उसके कारण है विलंब के, तकनीकी समस्या आ रही थी और यह पुल आज चालू हुआ है और यही कारण है कि इसको बिना किसी काम निर्माण जो उद्घाटन किया गया उसके सामने का जो रोड है पूरी कंप्लीट नहीं की गई, इतनी जल्दबाजी इतनी देर बाद जल्दबाजी की गई। देखिए वही तो मैं बता रहा हूँ कि चूंकि यहाँ से निकलने का रास्ता बन चुका है, अब जो शेष पोर्शन बचा है वो चौड़ीकरण का है, तो वो चौड़ीकरण के लिए वहाँ काम होता रहेगा। हमें जनता को सुविधाएं देनी है, इसलिए जब यहाँ से आप देखेंगे तो पूरा रास्ता खुला हुआ है और साइड में अपने को जो चौड़ीकरण करना वो उसके बाद वहाँ साइड से